रामगढ़ जिला के फाकोटी गांव के टोला अगरिया बस्ती के समीप टाटा कंपनी अपना कोयला खनन कार्य कर रही है। पत्थर मिट्टी का जो ढेर है उससे और वार्डन करके यहां कृत्रिम पहाड़ बना रही है। यहां के जनजीवन पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। मैं मोहन भुइयां और ये मेरा दलित समुदाय। आपके घर के बगल में इतना बड़ा पहाड़ बन रही है, हाँ। तो इससे आपको कोई तकलीफ है? तकलीफ बहुत है और दिक्कत भी हो गया है, जो कि पहले खेत था तो खेत को ये कोड़ के मेंस बना दिया, कुछ ग्राउंड था खेलने के लिए हम लोग का, वो भी खत्म हो गया है। घर निकलते हैं सीधा पहाड़ दिखाई देता है, पर्दा उर्दा ये सब आता है। बकरी उकड़ी कहाँ जाएगा खाने के लिए? वो कहाँ सूखा जाए, पत्थर वत्थर उठा जाएगा। कोयला खनन कंपनियां माइनिंग शुरू करने से पहले ये वादा करती है कि खनन कार्य के बाद बना गड्ढों को ओवर वार्डन से भरकर कृषि लायक जमीन बनाकर रायतों को वापस दिया जाएगा। लेकिन कंपनियां समतलीकरण ना करके नया खनन कार्य के द्वारा और जमीन बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पहले घास उस जो था पेड़ पौधा वो नहीं है, हरा भरा बैल बकरी ये सब को घास फूस खाने में दिक्कत होती है। इतना बड़ा पहाड़ कर दिया है जिससे हम लोग को ताज़ा हवा नहीं मिल पाती है सुबह का। यहाँ के लोग घर से निकलते हैं तो टाटा कंपनी के बनाए हुए कृत्रिम पहाड़ दिखाई देती है। यहाँ के मवेशियों की चारागाह समाप्त हो चुकी है। मैं आप सबों से अपील करता हूँ, घाटो महाप्रबंधक वेस्ट बोकारो के रिजुलिया जी का फ़ोन नंबर 065445 2624 86 पर कॉल करके दबाव बनाएं, ताकि यहाँ और पहाड़ ना हो और समतलीकरण किया जा सके और यहाँ के लोग अच्छा से रह सके। मैं मोहन भुइयां, जिला रामगढ़ झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।